जेई साहब, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट कौन लगाया यहाँ पे? ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के कोई और। तो फिर इतनी पुलिस कैसे ले आई यहाँ पे? आप ऑफिस में बात करो भाई सर, कमिश्नर साहब से मिल लो। कानून के साथ ही तो सारे चलेंगे, आप भी और ये भी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भी, आप इतनी पुलिस ले आए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन लगाया है यहाँ पे? मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट वाले, मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये पुलिस लोगों को डराने के लिए लेके आए यहाँ पे? मैं तो आपको बता, मैंने नहीं बुलाया, पुलिस भेजी गई क्योंकि लोग मना कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब ने आपको कोई ऑर्डर दिया है ऐसा? दीवार बनाना है, जाके दीवार बनवाओ, कोई है ऑर्डर आपके पास? तो जब आपको पता है इतना विरोध लोग कर रहे हैं, फिर आप क्यों आए ऐसे रिटर्न में लेके आते? कुछ रिटर्न भी करा लेंगे हम। आपके माथे का पसीना ये बता रहा है, आप भी मजबूरी में खड़े हो, पता आपको भी है कि हो क्या रहा है? रूप में तो आएगा ही पसीना। संदीप जी, क्या मामला है पूरा? कोई दस्तावेज तो नगर निगम के पास है नहीं जी? उसको मेरे पास जो है, मेरे से तो इन्होंने पुलिस फोर्स की बुक करी है, और एसपी साहब के थ्रू हमारे पास पुलिस फोर्स का लेटर आया, और हम इनकी लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर, अगर एसपी साहब कल को मेरे प्लॉट के लिए ऑर्डर दे देंगे तो पुलिस ऐसे करवा देगी? नहीं करेंगे, वो तो ऐसा जी, उसके कागज तो है नहीं, वो तो नगर निगम ने लिखा होगा जी, वो तो नगर निगम वाले दिखाएंगे। ये प्लॉट जिस पे आप आए हो, ये कैसे पता कि यही प्लॉट है? हो सकता है वहाँ गली में कोई प्लॉट हो। नहीं, यही प्लॉट। कैसे पता आप? मेरे को पता है। पता कैसे पता? बस पता है मेरे। कैसे पता, ये तो बताओ। कोई नक्शा हो आपके पास, कोई कागज हो आपके पास, कुछ है आपके पास? सेक्रेटरी साहब ने दिखाया था मेरे को आके मौके पे। ये सेक्रेटरी साहब भगवान तो नहीं है? सेक्रेटरी साहब भगवान तो नहीं है कि सेक्रेटरी साहब ने दिखाया था आपके पास मौके पर? क्या है, आपने जब ये नौकरी ज्वाइन की थी, कसम खाई थी ना कि किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो आप क्यों नहीं अफसरों को जाके बोलते कि मेरे को प्रॉपर दस्तावेज दो, मैं जाके दीवार बनवाऊंगा वहाँ पे? दस्तावेज है वहाँ ऑफिस में। कहाँ? मिनट, जिसके पास दस्तावेज है वो कह रहे हैं कि ये प्लॉट हमारा है, कल को मेरे प्लॉट में भी जाके बना दो क्या? बोलो ये बात कि सेक्रेटरी साहब कहेंगे तो बनाऊंगा मैं जाके, बोलो ये बात। उनके पास कुछ है रिकॉर्ड, उस बेस पे उन्होंने दिखाया। ये आपने कहाँ रिकॉर्ड देखा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कल को मेरा प्लॉट होगा तो क्या आप ऐसे जाके बना दोगे क्या? ऐसे ही क्यों करेंगे आप? जब इनके पास दस्तावेज है जमीन के, आप अपने अफसरों को क्यों नहीं बताते सर उनके पास कागज है, हमारे पास क्या कागज है? कोई इन भाई साहब का घर दिखा देंगे भी, गिरा दो, ये नगर निगम का कर दोगे? जब वो कह रहे कागज हमारे पास है, फिर आप कैसे कर रहे हो? बताओ ना, तो कमिश्नर साहब के ऑर्डर है। अरे कमिश्नर साहब कोई भगवान थोड़ी है। अगो नाले वोटा तो बंदे नहीं देनी है, फिर भी आऊगा जरा गली देख लाँगे कि हाँ जी। मैं स्वागत करा बड़ा प्यार दे नाल, चित्रा का हार बना के पहले ही रखा गया। मैं कि आ गया गली तू बी। नमस्कार, मैं हूँ आकर्षण उपल, और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के डीसी कॉलोनी से, जहाँ पर आपको बता दें कि नगर निगम के ऊपर जमीन को कब्जाने के आरोप लग रहे हैं। नगर निगम करनाल के ऊपर जमीन को कब्जाने के आरोप लग रहे हैं, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहां पर तैनात कर दिया गया है कि लोग यहां पर दीवार बनाने में अड़चन ना पैदा करें। वहीं दूसरी ओर किसी तरह का कोई दस्तावेज नगर निगम के पास नहीं है। नगर निगम के जो जेई हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जेई साहब, जो ये कब्जा आप ले रहे हो वापस, कोई दस्तावेज है इसके आपके पास? ऑफिस में सारा रिकॉर्ड है, जिसने जो देखना ऑफिस में जाइए। रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए ना, कहाँ पे है? क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, रिकॉर्ड है आपके पास? मैं एज ए इंजीनियर दीवार बनवा रहा हूँ, जेई का काम जो है। तो लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, तो उनको मैंने बता दिया ऑफिस में जाओ, इस कमरा नंबर में जाओ, वहाँ सारा रिकॉर्ड है। नहीं, तो आप लेके क्यों नहीं आए? मुद्दा तो कल से छिड़ा हुआ है। मैं पटवारी और कानून का जो काम है वो थोड़ी बताऊंगा इनको। नहीं, नहीं, वो सब सुनिए ना, आप जो काम करवाने के लिए आए, उसके कागज है, यानी आप लोगों की जमीन पे कब्जा करवा रहे हो। नगर निगम कब्जा कर पास कागज, इनके पास कागज है कि इनके कागज है जी किसी के पास? यहाँ का कागज है किसी के पास? लेके आओ एक बार, ये लीजिए, ये रहे इनके पास कागज। ये पटवारी कंफर्म करता है। पटवारी को लेके आओ ना आप साथ में, ये ऑफिस में करने को उन्होंने कर रहे हैं। आप पटवारी को लेके आओ साथ में, उन्होंने करके सारा मेरे को बता रखा है। कहाँ है? दिखाओ एक बार, दिखाओ कागज, दिखाओ। उन्होंने बोल रहे अपना दीवार बनवानी। मेरी बात सुनो, सीएम सिटी में आप रहते हो, अगर आरोप लगेंगे कि नगर निगम कब्जा कर रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी है? कब्जा तो है नहीं, ऑफिस में सारा रिकॉर्ड। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो ये क्यों ना माना जाए कि नगर निगम कब्जा कर रहे हैं? मेरे पास ऑर्डर की आप किस ऑर्डर के, एक मिनट, आप किस ऑर्डर के बाद यहाँ पे दीवार बनवाने आए हो? ये आपको मैंने दिखा दिया, ये तो पुलिस अधीक्षक के नाम है। आपके पास कोई लेटर है? मेरे को कमिश्नर साहब ने कह रखा। कहाँ लोग विरोध कर रहे हैं? कोई दस्तावेज है आपके पास? फोर्स की कॉपी मेरे को दे दिया, पुलिस फोर्स की कॉपी। पुलिस फोर्स की कॉपी तो पुलिस दिखाएगी ना जी, पुलिस को बुलाया। आप कैसे आए यहाँ पे, आपके पास क्या कागज है? ये वार्ड नंबर 7 है, इसमें जो सिविल वर्क होता है मेरे अंडर है। किसी भी जगह जाके बना दोगे? हमारी है जो, उसमें तो हम ही करेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे?
जो हमारे वार्ड में काम है उसमें तो मैं ही आऊँगा। वार्ड में तो आएंगे लेकिन कागज तो नहीं है आपके पास कोई? कागज किस चीज के कर, इनके पास भी नहीं कोई कागज। ये दिखा तो रहे, या तो आप इसको कहो कि झूठे कागज है। ऑफिस में मैंने बता दिया, ऑफिस में सारे कागज हैं। आप इनको, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास कागज होते तो ये रोला ही ना होता। ऑफिस में है सारे कागज है, मैं बता रहा हूँ ऑफिस में जाके बार चेक कर। आप ऑफिस में देख के आए हो, जब आपको पता है कि आप इतनी पुलिस लेके आए हो, ये पुलिस लाने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आपके पास कागज होते तो। यानी आप पुलिस का मिसयूज कर रहे हो ना पब्लिक के लिए। तो इसलिए बुलाए, रजिस्टर कर रहे हैं लोग, बनाने नहीं दे रहे तो पुलिस। तो कागज कहाँ है? अगर आपके पास कागज हो तो इशू कहाँ रहेगा? कागज ऑफिस में बता दिया मैंने, ऑफिस में। मेरे भाई आपने सब्जी मंडी पे कब्जा छुड़वाया, उस टाइम ज्वाइंट कमिश्नर आए थे, कागज उनके पास थे, आज कागज क्यों नहीं है? उसका मेरे को नहीं पता, उस टाइम का पता है आपको? यहाँ के मेरे को जो टोनी नंबर, ये खसरा नंबर क्या है ये आप वहाँ पूछो पटवारी वगैरह से। सर ये कोई बात है गौरव जी? यानी कि सर क्या मामला क्या है पूरा? आप यहाँ पर क्यों चाहते कि ये दीवार बनानी शुरू कर रहे हैं? क्यों चाहते दीवार? सर ये नजायज कब्जा हो रहा है, ऑर्डर ये नगर निगम वाले कर रहे हैं, ऑर्डर राज का है। कल रात को पुलिस लेके आए, शहर में खबर फैल गई जी, 8-10 करोड़ की जगह, 8-10 करोड़ की जगह ये कब्जा ही कर रहा है जी। और क्या धक्केशाही हो रही है हमारे साथ, इनके पास कोई पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कागज नहीं, बात भी नहीं सही ढंग से कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। देखो जी सब कांगे, अरे जेई क्यों भागे, जेई कांगे, ओरे 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 ओरे। जेई साहब ड्यूटी मैजिस्ट्रेट कौन लगाया यहाँ पे? ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के कोई ऑर्डर नहीं। तो फिर इतनी पुलिस कैसे ले आए यहाँ पे? आप ऑफिस में बात कर लो भाई साहब, कमिश्नर साहब से मिल लो। कानून के साथ ही तो सारे चलेंगे, आप भी और ये भी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भी, आप इतनी पुलिस ले आए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन लगाया है यहाँ पे? मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट वाले, ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये पुलिस लोगों को डराने के लिए लेके आए हो यहाँ पे? मैं तो आपको बता दूं, मैंने नहीं बुलाया, पुलिस भेजी गई क्योंकि लोग मना कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब ने आपको कोई ऑर्डर दिया है ऐसा? किस टाइप का मतलब? दीवार बनाना है कि जाके दीवार बनवाओ, कोई है ऑर्डर आपके पास? कहा है उन्होंने मेरे को, वर्बली कहा है? हाँ, तो जब आपको पता है इतना विरोध लोग कर रहे हैं फिर आप क्यों आए? ऐसे रिटर्न में लेके आते कुछ ना कुछ? रिटर्न भी करा लेंगे हम। आपके माथे का पसीना ये बता रहा है, आप भी मजबूरी में खड़े हो, पता आपको भी है कि हो क्या रहा है? रूप में तो आएगा ही पसीना, हमें क्यों नहीं आ रहा, उनको क्यों नहीं आ रहा, इनको क्यों नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा, आपको क्यों आ रहा है? देखो जो मेरे को ऑर्डर दिया सर ने वो मैं काम करा रहा हूँ, बस इसमें कुछ आपको इतना तो डाउट आप क्लियर कर लो ऑफिस में जाकर। डाउट तो आपने क्लियर करना है, इन्होंने थोड़ी करना है। आपके पास दस्तावेज है जी? कहाँ पे है दस्तावेज? वो ये इनके पास दस्तावेज है तो आपके पास आप करा लो वेरीफाई, जो इन्होंने कराना है। आप, मैं क्यों करवाऊंगा, मेरी जमीन थोड़ी है, जमीन आपकी है तो वेरीफाई आपने करवाना है। हमने तो करा रखा है ऑफिस में, सारा ऑफिस में आपने दिखाया किसी को? इनको मैंने सुबह ही वेरीफाई करवाया, इनसे सुबह ही बात हुई, ऑफिस में जाने के लिए कोई जाने को रेडी नहीं। ऑफिस यहाँ पे आ गया, पुलिस यहाँ आ गई तो दस्तावेज क्यों नहीं आ सकते? इसका मतलब तो जो आरोप लग रहे हैं नगर निगम कब्जा कर रहा है जमीन पे, सही आरोप है? तो मुझे एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? गौरव। अगर आपको ये बताना है आपका नाम गौरव है तो आपके पास कागज होने चाहिए ना। अब आप खड़े होके छाती पीट के कहोगे जी मैं गौरव हूँ, मैं गौरव हूँ, मैं गौरव हूँ, ऐसे थोड़ी पता लगे गौरव हूँ, कागज दिखाओ इसके। मैंने बता दिया प्रॉपर्टी का, ऑफिस में सारा रिकॉर्ड है। आपके पास क्यों नहीं है सर? आप यहाँ पे आए किस कैपेसिटी में आए? आपके पास क्यों नहीं ऑर्डर? मैं तो ऐसे जेई आया हूँ, दीवार बनानी है वो मैं करवा रहा हूँ। तो आप मेरे घर पे भी बनवा देंगे कल को? अगर कमिश्नर साहब कहेंगे कि आकर्षण उपल के घर के ऊपर दीवार बना दो, बना देंगे? जो डॉक्यूमेंट्स है इसके प्रॉपर्टी रिलेटेड वो प्रॉपर्टी ब्रांच में वहाँ जाके पता कर लेंगे। आप क्यों नहीं लेके आए सर? आपके पास होना चाहिए था ना। मैं थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दूंगा जी, थोड़ी देर में मैं इनको दिखा देता हूं। ये तो सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं सारे लोग, पागल थोड़ी हैं ये, सुबह से लेके क्यों नहीं आए? डेट में है, कल रात को बनाने आ गए हैं। ऑर्डर कहाँ है? ये तो सिर्फ पुलिस का ऑर्डर है जो भी नहीं, कल रात को बनाने आ गए हैं, कल हमारा कोर्ट का इनके पास नोटिस गया था, उसके बाद आए हैं बनाने। ये हमारे कल की डेट है, कल इनको नोटिस हुआ है, रात को मटेरियल आ गया, रात को बनाने के लिए आ गए। भाई रात को बनाने की ऐसी क्या इमरजेंसी थी यहाँ पे? रात को ही क्यों आया गया? और रात को ही फोर्स भी आ गई, अब सुबह भी फोर्स आ गई, जबकि ये अन्याय है। किसकी जमीन है ये और कब्जा कौन कर रहा है? ये हमारी सोसाइटी की जमीन है, निगम आ रहा है, सरकार कर रही है कब्जा। यहाँ नजर करोड़ों रुपए के, करोड़ों रुपए की जगह पे तो इसीलिए तो हो रहा है कब्जा। अभी रेट भी आ गया है बाजार में, अभी 8 करोड़ की जगह है ये। अच्छा। रेट किसने दिया है ये तो यही बताएंगे, किसने दिया रेट इसका? सर क्या मामला क्या है पूरा, ये क्या नाम है आपका? ये डीसी कॉलोनी की जगह है और ये डीसी कॉलोनी की हक है, उसका रास्ता मांग रहे हैं, ये एक दीवार बना रहे हैं उसमें। आप विरोध कर रहे हैं इसका? विरोध तो आप कल से कर रहे हैं नगर निगम वाले, तो ये तो फिर इसको क्या गुंडागर्दी नहीं कहा जाएगा? गुंडागर्दी है, बिल्कुल सरासर गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री जी के शहर में, मुख्यमंत्री जी के शहर में नगर निगम करनाल के ऊपर आरोप है कि नगर निगम करनाल इस जगह को 8 करोड़ रुपए का बता रहे हैं। भी 8 करोड़ रुपए वैल्यूएशन इसकी कैसे निकली है? जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं कोई
जवाब उनके पास नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि कल को आपके मकान के ऊपर भी इस तरह की दीवार बनाई जा सकती है, आपके प्लॉट के ऊपर भी दीवार बनाई जा सकती है। और महज सिर्फ एक ये कागज लेकर जो कि कमिश्नर नगर निगम करनाल ने एसपी करनाल को आज की तारीख में लिखा है, जबकि पुलिस यहां पर कल भी आई थी, कल भी दीवार बनाने की जो कार्रवाई है वो की गई थी। सवाल यहां पर ये है कि आज की इस यानी कि जो प्रोवाइड करने के लिए, पुलिस प्रोवाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन है, सिर्फ इस एप्लीकेशन के बेस के ऊपर यहां पर दीवार बनाई जा रही है। सर आपका क्या नाम है और क्या मामला क्या है? ये मेरा नाम अमरजीत सिंह है, ये रास्ता हमारी कॉलोनी का है, कॉलोनी की मलकियत, ये मलकियत कॉलोनी की है, ये कब्जा करना चाह रहे हैं सर हम। रात को भी आए हैं 10 बजे दीवार बनाने के लिए, हम ये कहते हैं कि दीवार मत बना, कोर्ट में केस चल रहा है, जो केस कोर्ट फैसला करके हमें मंजूर है, ये जबरदस्ती है, क्यों नहीं रुक क्यों नहीं रही है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, धक्केशाही है, देखो बदमाशी और क्या, लोग अगर बदमाश, डॉक्टर साहब के शहर में बदमाशी कैसे हो रही है, बदमाशी हो रही है सर, हम देख ही रहे हो आप। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कुछ? कहना चाहेंगे क्योंकि ये देखो देख रहे सामने, मतलब कौन कर कौन रहा है ये सब कुछ, ये प्रशासन ही कर रहा है उनके साथ मिलकर, नेता भी है बीच में, नेता होंगे नेचुरल, इनके किसी हाथ होगा इनके पास। आंटी जी क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है, ये देखो 45 साल से ये कॉलोनी का रास्ता है, हमारे पास इसका प्रूफ है कि ये जगह हमारी कॉलोनी की है, और ये सड़क की रास्ता है, सामने देख लो मंदिर है, हमने इनके इनसे यही रिक्वेस्ट की है भी आप हमें, जैसे आपने यहाँ टैल सारा लगाई है, यहाँ भी हमें टैल लगा के या पक्की सड़क बना के हमें रास्ता दे दो, लेकिन इनको हमने रास्ता इनसे मांगा, ये तो यहाँ पे दीवार करके यहाँ कब्जा करने आ गए हैं, जब इन्होंने देखा ये जगह बहुत कीमती है, जब ये जगह बहुत कीमती है तो इसके ऊपर कब्जा करने आ गए, ऑर्डर ये आज का लेके आ रहे हैं और कब्जा करने रात को 11 बजे यहाँ पे देख लो रेता बजरी सीमेंट वगैरह ईंटे सब लेके आ गए हैं। कोई ऑर्डर भी नहीं इनके पास? इनके पास अभी भी कोई ऑर्डर नहीं है, ये जो भी है ये इनकी सब अपनी मिली भगत जो लिख लुक के लेके आ रहे हैं, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे पास पूरे प्रूफ है, जब कोर्ट ने हमें कल का समय दिया है। आप देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर दीवार नहीं बनाने देंगे, और आप देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट यहाँ पर कोई नहीं है, और देखिए किस तरह से पुलिस को यहाँ पर छूट दी गई है कि वो किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं, जबकि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट धक्का कर रहे हैं और कुछ नहीं, बदमाशी हो रही था, पुलिस के मिसयूज हो रहा है, देख लो आप सामने ही है, देखो जबरदस्ती इनके पास कोई कागज नहीं, कोई प्रूफ नहीं इनकी जगह का, सिर्फ एक ऑर्डर लेके आ गए, यहाँ दीवार बनानी है, कुछ इनके पास मलकियत नहीं है, हम इनको मलकियत भी दिखा रहे हैं फिर भी ये कर रहे हैं जबरदस्ती। सर यहाँ पे पहुंचे हैं आप, क्या क्या पूरा मामला है, किस ऑर्डर के बेस के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, संदीप जी क्या मामला है पूरा, कोई दस्तावेज तो नगर निगम के पास है नहीं जी, उसको मेरे पास जो है, मेरे से तो इन्होंने पुलिस फोर्स की वो करी है, और एसपी साहब के थ्रू हमारे पास पुलिस फोर्स का लेटर आया, और हम इनकी लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सर अगर एसपी साहब कल को मेरे प्लॉट के लिए ऑर्डर दे देंगे तो पुलिस ऐसे करवा देगी? एसपी नहीं करेंगे जी, वो तो ऐसा जी, पास कोई कागज तो है नहीं, वो तो नगर निगम ने लिखा होगा जी, वो तो नगर निगम वाले दिखाएंगे, हम सिर्फ लैंड ऑर्डर के लिए आए हैं, बाकी नगर निगम बताएगा। एप्लीकेशन दी गई है सिर्फ पुलिस को, एसपी साहब की तरफ से कोई ऑर्डर रिटर्न है आपके पास? नहीं, हमारे पुलिस हेल्प मांगी है जी, पुलिस हेल्प हमने दे दी है इनको, अब जो आप कह रहे हैं पुलिस हेल्प तो लोग भी तो मांग रहे हैं, सुनो ना जी, अगर डॉक्यूमेंटेशन को इशू है तो नगर निगम वालों से बात करिए आप, तो वो तो कर रहे हैं, वो तो भाग गए, ऐसे बात ही नहीं कर रहे, खड़े हमसे करो बात, कोई दस्तावेज नहीं है, यानी पुलिस का देखो ये भी तो काम है ना कि दूसरे के साथ नाजायज ना हो, ऐसा है जी, देखो हमारे पास सरकारी उसके लिए काम के लिए अपने आए हैं, हम अपना मेंटेन करने आए लैंड ऑर्डर, बस होएगा ठीक, अदरवाइज कार्रवाई करेंगे जो बनेगी। सर कार्रवाई कैसी कार्रवाई होगी ये भी हिसाब से बात करिए, हमारा काम नहीं है, लैंड ऑर्डर की बात है। अरे आओ भाई रे बला सारो को, चलो हेलो चलो, आप देख सकते हैं कि सर सारे बुजुर्ग खड़े हैं आराम से बात कर रहे हैं, ये धक्केशाही कर रहे हैं, देखो देखो यहाँ आपको देखो सारे, हमारे तो मजबूरी है ना, करे क्या, सरकार को जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं आपके लिए थोड़ी कर रहे हैं, धक्काशाही हो रही है, धक्काशाही सरकार आई यहाँ पे, वो खुद आए यहाँ पे जो बनवा रहे हैं, उनके सिग्नेचर कोई कागज कोई पत्थर कुछ तो लो, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स है, और कोर्ट ने कल का बताया अभी कल को आप हम फैसला सुनाएंगे, हाँ ठीक है कल का वो फैसला देती है, हम कोई नहीं यहाँ पे खड़ा होगा चाहे बेचक दीवार कर नगर निगम वाले उड़ क्यों जा रहे हैं देख के यहाँ से, खड़े क्यों नहीं हो रहे पास, मीडिया है ना, मीडिया इसलिए निकल के साथ के साथ, दस्तावेज भी करोड़ों की जगह है, धक्के से कब्जा हो रहा है, हमारा तो रास्ता ही बंद कर रहे हैं, हम कहां से जाएंगे बताओ, उधर से जाते हैं उधर रास्ता बंद है, डॉक्टर साहब के शहर में ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यही चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग तो इतनी न्यूज कवरेज करते हो, कभी क्या हो रहा है, कभी मतलब स्मार्ट सिटी को बेकार सिटी बनाया जा रहा है, नाम किया जा रहा है इस चीज को लेके, ये देख लो सामने रास्ता कटवाया, अभी यहाँ से सड़क सीधी बन जाएगी, हमने रास्ता मांगा ये तो हमारा रास्ता ही बंद करने आ गया, साल से एंटी ये प्लॉट ये 45 साल से 1976 से ये चल रहा है,
फिर भी इस तरह कर रहे हैं? हाँ जी फिर भी ऐसे कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है ये कॉलोनी की जगह है। और ये धक्के से आपके पास कागज हैं जो आप दिखा रहे हैं? मुझे तो रेवेन्यू की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन नगर निगम के पास तो एक भी कागज नहीं है, एक पुलिस का कागज है जी, हमने सिक्योरिटी मांगी हुई, यही कागज है। फोन पे भेज दिया है उन्होंने, फिर फोन पे भेज दिया, अभी चलो आप शुरू कर दो। नगर निगम के साथ आया हुआ है, कम से कम पुलिस प्रशासन को कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसके ऊपर कॉलोनी वालों ने कब्जा कर रखा है, कोई वही डॉक्यूमेंट ही हमारे को इश्यू करके दिखा दो ना। जब पुलिस प्रशासन भी नगर निगम का बिना मतलब के ही सपोर्ट कर रही जा रहे हैं, उनको कम से कम कुछ ऐसा उनको लीगल नोटिस तो होना चाहिए कि हम भी यहाँ कब्जा कर रहे हैं। आपके ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया सर यहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर में? कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन आया और कोई नहीं है यहाँ पे। आपको लग रहा है कानूनी रूप से वो बचना भी चाह रहे हैं और दबाना भी चाह रहे हैं? हाँ है, वो तो सर हम गुंडागर्दी हो रही है, क्या हो रहा है, गुंडागर्दी तो हो रही है, धक्के से सब कुछ कर रहे हैं। देखो ये जिस तरह से ये प्लॉट पे ये देखिए एक बार दीवार बनाई जा रही है, कल को अगला नंबर आपका भी हो सकता है, यानी नगर निगम सरकार अगर कोई काम करना चाहती है तो किसी कागज की जरूरत नहीं है, अगर सरकार किसी चीज पर कब्जा करना चाहती है तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये देखिए एक फोटोकॉपी कागज है, वो भी एसपी के नाम लिखा हुआ है नगर निगम कमिश्नर की ओर से, कि वहां पर एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जिस पर कार्यालय द्वारा अवैध कब्जे को रोकने के लिए इस प्लॉट पर चार दीवारी बनानी है, लेकिन यहाँ पर तो ये मेंशन ही नहीं है कि जो प्लॉट है किसका, ना नगर निगम का है ना किसी और का, कुछ भी नहीं लिखा। प्लॉट तो आगे भी खाली पड़े हैं, 100 रुपए दीवार बना दो, हमारा 49 नंबर 50 नंबर, कल को हमारी कॉलोनिया भी तोड़ देंगे। इस ऑर्डर में भी कहीं नहीं लिखा कि प्लॉट नगर निगम का है, इनके पास कुछ है ही नहीं, वो है ही नहीं, तभी तो आ नहीं रहे सामने, जब तो सामने आए फिर सामने क्यों नहीं आ रही है। इतना पैसा लगा के देवीलाल चौक पे बना रहे हैं, दीनदयाल ग्रेनाइट पत्थर लगा रहे हैं, रगड़ाई हो रही है, किसके लिए बना रहे हैं? पब्लिक के लिए, पब्लिक कहाँ से जाएगी? दीवार कर दो, रोड बनाया घूमने के लिए, यहाँ कौन आएगा? कॉलोनी वाले जाएंगे ना, क्या करेंगे? दीवार तो बनाने शुरू करने वाले हैं। चलो देखते हैं अंकल का ऑर्डर, फिर दीवार उतर भी जाएगी, दीवार का क्या, दीवार तो एक धक्के से टूट जाएगी। हमारी स्मार्ट सिटी में पैसा बहुत सारा आया हुआ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अभी दीवार लगाएगी, कल कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि हाँ भी ये कॉलोनी वालों की जगह है, फिर ये दीवार तोड़ दो, फिर ये इटे नीचे पुल के नीचे काम आएंगी, भाई यही चीजें यूज होंगी और कुछ भी नहीं होगा। राजेश रुद्रहुजा, राजेश भाई मुझे ये बताओ, यानी इतनी पुलिस ले आए हैं, सारा कुछ है, अगर एक ऑर्डर होता तो दिक्कत क्या, कागज होते तो दिक्कत क्या, यानी कि नजर गलत है जमीन के ऊपर, ऐसा नहीं लग रहा? बिल्कुल नजर गलत है, पूरे प्रशासन की, नगर निगम की, गवर्नमेंट की नजर ही गलत है पूरी जमीन के ऊपर कि इसको हम हथिया ले मेन। कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क रहा? वो भी ऐसे ही माफिया थे जमीन के, ये भी माफिया? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी उससे भी ज्यादा बेटर है, कांग्रेस फिर भी थोड़ा करती थी, ये तो इसका तो लेवल ही अप हो गया बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल काम गंद कर रखा है, बिल्कुल काम गंद कर रखा है, किसी को पता नहीं था। जब से हमने ये सड़क इनसे बोला ना भी चलो कोई आप टैल लगा दो या कुछ लगा दो, तब से ये जाग पे हैं, भी इनको पता लग गया भी ये जगह बहुत महंगी है। 8 करोड़ का शोरूम है, ये किसने बताया? 8 करोड़ मैं तो कम से कम 10-15 करोड़ की जगह है, ये कम से कम 10-15 करोड़ की जगह है, 600 का जगह है जी, और सारे शोरूमों से बड़ा शोरूम ये है, बड़ा जगह ये है। मोटा मोटा 40-50 हज़ार का रेट लगा लो ना, मेन रोड के ऊपर है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मेन रोड के ऊपर है, 3 लाख रुपए 7-8 करोड़ रुपए का शोरूम बैठता है। मोटा पैसा कमाना चाहते हैं जी, ये इतना मोटा पैसा कमाना चाहते हैं इस जगह से? लेकिन अंकल जी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पे भी कहीं नहीं, एक बार दिखाना जी कहाँ है ऑर्डर, इस ऑर्डर पे भी कहीं नहीं लिखा, इस पे तो ये लिखा है कि एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, SHO साहब इस पे तो सिर्फ ये लिखा है एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, ये कैसे पता कि यही प्लॉट है वो? ऐसा जी नगर निगम वालों ने बताया ना हमारे को भाई यही प्लॉट है, इनसे बात करो आप नगर निगम से, नगर निगम वालों ने इससे भी पूछ ले, नगर निगम वालों से भी पूछ ले, जय साहब ये प्लॉट जिस पे आप आए हो ये कैसे पता कि यही प्लॉट है, हो सकता है वहाँ गली में कोई प्लॉट हो, नहीं यही प्लॉट, कैसे पता आप? मेरे को पता, पता कैसे पता? बस पता है मेरे को, कैसे पता ये तो बताओ, कोई नक्शा हो आपके पास, कोई कागज हो आपके पास, कुछ है आपके पास? सेक्रेटरी साहब ने दिखाया था मेरे को आके मौके पे, सेक्रेटरी साहब भगवान तो नहीं है, सेक्रेटरी साहब भगवान तो नहीं है कि सेक्रेटरी साहब ने दिखाया था आपके पास मौके पर? क्या है आपने जब ये नौकरी ज्वाइन की थी कसम खाई थी ना कि किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो आप क्यों नहीं अफसरों को जाके बोलते कि मेरे को प्रॉपर दस्तावेज दो मैं जाके दीवार बनवाऊंगा वहाँ पे? दस्तावेज है वहाँ ऑफिस में, कहाँ? जो हमारे करनाल से चुने हुए विधायक है मुख्यमंत्री उनका भी नाम खराब करवा रहे हो? उनका दस्तावेज जिस ब्रांच में रिलेटेड उनके पास है, आप क्या लेके आए हो फिर साथ में? आप क्या लेके आए हो? क्या लेके आए हो? ये देखो ये आपने पुलिस फोर्स के लिए जो लिखवाया इस पे कहाँ लिखा है कि प्लॉट नंबर कितना है, खसरा नंबर कितना है, उसकी राइट में दीवार ये, लेफ्ट में दीवार ये, नॉर्थ में ये, साउथ में ये, कहाँ है प्लॉट नंबर आप? यानी पुलिस के नाम पर, पुलिस के नाम पर तो गुंडागर्दी हो रही है। प्लॉट नंबर मेरे को यहाँ दिखाया था सेक्रेटरी साहब ने दिखाया, ऐसा है मेरा प्लॉट दिखा देते तो उसमें बना देते जाके। मैं ये पूछ रहा हूँ जिस, एक मिनट, जिसके पास दस्तावेज है वो कह रहे हैं कि ये प्लॉट हमारा है, कल को मेरे प्लॉट पे भी जाके बना दोगे ऐसे?
अब बोलो ये बात कि सेक्रेटरी साहब कहेंगे तो बनाऊंगा मैं जाके, बोलो ये बात। उनके पास कुछ है रिकॉर्ड, उस बेस पे उन्होंने दिखाया। ये आपने कहां रिकॉर्ड देखा? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कल को मेरा प्लॉट होगा तो क्या आप ऐसे जाके बना दोगे क्या? ऐसे ही क्यों कहेंगे यार आप? जब इनके पास दस्तावेज हैं जमीन के, आप अपने अफसरों को क्यों नहीं बताते सर उनके पास कागज है, हमारे पास क्या कागज है? इन्होंने ही बताया उनको इनके पास। आपने कागज दिखाओ जी इनको एक बार, जेई साहब को कागज दिखाओ जरा। अरे जेई साहब को कागज दिखा दो जरा, पढ़े लिखे आदमी है, देख के शायद बता देंगे। जब आप कागज देख के अपने अफसरों को बोलो ना कि सर मेरे पास तो कागज है नहीं, उनके पास कागज है। इन्होंने बोल लिया ये सब तो, इन्होंने बोल लिया होगा। अरे आप आए हो यार मौके पे, किसको बोलेंगे वो? ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये आपको ही अच्छा बुरा बोलेंगे जो बोलेंगे, और किसी को नहीं कहना। उन्होंने मेरे को बता दिया यही है वो प्लॉट, इसमें ये काम। यानी मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कल को इन भाई साहब का घर दिखा देंगे भी, गिरा दो ये नगर निगम का कर दोगे? ऐसे थोड़ी आप वैसे कह रहे हैं कि जब वो कह रहे कागज हमारे पास है, फिर आप कैसे कर रहे हो? आपकी मलकियत है, दिखाओ ना, बताओ ना। मेरे को कमिश्नर साहब के ऑर्डर है करवाने। अरे कमिश्नर साहब कोई भगवान थोड़ी है, कमिश्नर साहब कोई भगवान थोड़ी है, कमिश्नर साहब भगवान नहीं है, कमिश्नर साहब कोई इन लोगों के कमिश्नर है वो, किसके कमिश्नर है वो? कोठियां तोड़ दो, हैं कोठियां तोड़ के इसके ऊपर वो बना दो, और किसने बनाया? जन पब्लिक के तो कमिश्नर है, पब्लिक के तो कमिश्नर है, किसके कमिश्नर है? पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए। अब ये लोग इतने सारे पागल थोड़ी है, आप अकेले खड़े हो यहाँ पे, इतनी फौज खड़ी है, साथ में आप पुलिस ले आए हो, पुलिस कह रही है जी उनसे पूछो कागज कहाँ है, कागज कहाँ है आपके पास? मैंने बात करी अभी सेक्रेटरी साहब से, कागज वगैरह भी कुछ देर में प्रोवाइड करा। यार रात को 11 बजे से पंगा हुआ हुआ है, अभी टाइम क्या हो गया ये देखो, 14 घंटे हो गए, अब 14 घंटे में भगवान ने तो कागज दिखा देगा, आप अपना वो काम कर लेगा। आप कमिश्नर साहब को यहाँ बुला लीजिए ना, कमिश्नर साहब को यहाँ बुला लीजिए, आप कागज दिखाओ, अब निकलो यहाँ दीवार के पूरे। आप पेपर क्यों नहीं दिखा रहे? इसका मतलब तो ये है कि नजर गलत है। देखो ये बात आप भी जानते हो, दिल से यहाँ पे हाथ रख के बोलो कि मुझे नहीं पता इस बात का। कौन सी बात कर रहे हो आप? बोलो ना कि ये कागज है हमारे पास और ये सब ये सारे झूठे, आप अकेले सच्चे बोलो। ये ऑफिस में है, मैंने बोल सर ऑफिस में क्या कर रहा है? इतनी पब्लिक, इतनी पुलिस, इतनी वैन, सब कुछ यहाँ पे खड़ा कर दिया है। मैं सिक्योरिटी साहब से मंगवा लिया, बात कर लिया, मैं दिखा कहाँ है दिखाओ, कितनी एक घंटे से तो हम भी वेट कर रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले बात हुई, मंगवा रहा हूँ। तो आपने 5 मिनट पहले से, आपको नहीं पता था पुलिस लेके जा रहा हूँ, लोग विरोध करेंगे। वो देखो कोई बात नहीं, आ जाओ जी, आ जाओ, कागज कुगज कुछ दिखाओ मेरे भाई। नहीं सर इस तरह है ना जी, कल नहीं सर, ये तो बताओ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कागज है। आप तो अभी आए हो ना, सचो अभी आए हो ना, अभी तो अब जस्ट अभी आए हो या करनाल में, पर हमारे डॉक्यूमेंट तो शोध कर दो आप, कुछ ही करो यार। हम आप कमिश्नर से बात, तो कमिश्नर बुलाओ तो, एक बार बुलाओ तो लोग, 10 बजे का मन क्या दिया, मिले और 4 बार गया कोई, आपने बोला सर कोई छोरी रिक्वेस्ट मैंने 10 बार कर दी। आप आपने कहते हैं 3-4 आदमी कमिश्नर साहब के पास जाओ, हम तैयार हो गए जाने के लिए, हम तैयार करके कौन कौन जाएगा, उसी टाइम फिर काम चालू करवा दिया हमारे खड़े खड़े। जल्दी क्या है, पता क्या जल्दी है इनको? हेलो और जो लोग विरोध यहां पर आप देख सकते हैं कि कर रहे हैं, और सारे का सारा जो कुछ नहीं मानते हैं, बोलो बोलिए तो, हम सुप्रीम कोर्ट ऐसी तैसी, हमारे खुद हम नगर निगम की बात मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं हमारा, आप बोलिए। जब एक चीज कोर्ट में केस चला हुआ है, कल शाम तक 5 बजे तक रुक जाइए, इसमें क्या इश्यू है? कोई एक दिन में कोई यहाँ पर 10-20 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको इसके, या साथ गया तो आपको इसका पैसा मिलेगा कैश, शाम तक रुकिए आप। फिलहाल नगर निगम के पास कोई कागज नहीं है, पुलिस कह रही है कि हमें आदेश एसपी साहब के हैं, कमिश्नर मौके पर नहीं है, मौके पर कोई कागज नहीं है, लेकिन दीवार बनाने का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। इतना जोर अगर नगर निगम ने करनाल के डेवलपमेंट में लगा दिया होता, इतना जोर अगर नगर निगम ने पानी बनाने के लिए पानी निकालने के लिए लगा दिया होता बारिश के अंदर, तो जाहिर तौर पर और यहाँ पर पुलिस और जो कॉलोनी के लोग हैं वो आमने सामने हैं, और सीधे तौर पर ये देखिए किस तरह से लोगों को कहा जा रहा है कि हमें ये दीवार किसी भी कीमत पर बनवानी है, और एक किस्म से ये ज़बरदस्त जो गुंडागर्दी है वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से नगर निगम करनाल द्वारा एक ऐसी दीवार को बनाया जा रहा है जिसके दस्तावेज नगर निगम के पास नहीं है, जो ऑर्डर इन्होंने पुलिस को एसपी को भेजा है उस पर भी कोई मेंशन नहीं किया गया कि पूरी का पूरा मामला क्या है, कौन सी ज़मीन है, कौन सा खसरा नंबर है, कौन सा प्लॉट नंबर है, लेकिन लोग हैं कि इस प्लॉट को बनने देना नहीं कर रहे हैं। ये सही कर रहे हैं, आप भी हमारे सर्वेंट, वो भी हमारा सर्वेंट है, आप कमिश्नर को एक बार बुला लीजिए।
कह दिया आपके बहुत लोग बोला आपके बहुत हम लोग बहुत हम टैक्स पे करते हैं सब कुछ करते हैं किस चीज़ को नहीं पे करते हम। अब एक बार बुला लो कि यहाँ रोला हो रहा है कमिश्नर साहब एक बार आप आके इनको समझा दो जरा सा क्या दिक्कत है डॉक्यूमेंट आप इनको आके दिखा दो। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए सारे अपने घर पे जाएंगे बात है साहब आप खुद जाके मिल लो ना हेलो नहीं कोई नहीं सुन रहा जब नहीं जबरदस्ती वाला काम में जबरदस्ती है ना फिर नहीं हाथ जोड़े क्यों अगर हाथ जोड़िया काम बंद है भाजी हाथ ही भी जोड़ देने दस्तावेज नहीं है और देखिए किस तरह से एक 10 से 12 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है उसकी कीमत बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं का इसके पीछे हाथ है जो नेता नगर निगम और पुलिस की आड़ में इस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। कुछ लोगों के भी सामने नाम आ रहे हैं हालांकि कोई भी फिलहाल वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ नेता हैं इस पूरे के पूरे मामले के पीछे जो चाहते हैं कि इस प्लॉट पर कब्जा किया जाए क्योंकि दस्तावेज कोई भी मौके पर नहीं है। नगर निगम के अधिकारी आप देखिए यहाँ से कितनी फुट दूरी पर खड़े हैं उनके पास भी कोई दस्तावेज नहीं है और दीवार बनाने का काम आप देखिए कि जोरों शोरों से यहाँ पर चल रहा है। आप सभी लोगों से अपील जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें करनाल के डीसी कॉलोनी से आप देख रहे हैं जहां पर नगर निगम पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस का मिसयूज कर जो जनता का प्लॉट है जिसके कागज इनके पास है। सर कल को आपका प्लॉट भी मेरे को खतरे में लग रहा है लग रहा है ये था जो तो मर्जी जितना मर्जी दीवार कर दें जैसे ये कॉलोनी कटी हुई है ना डीसी कॉलोनी के नाम आई है ये भी किसी के नाम है इनका कब्जा हो गया मान लो हमारे भी इसमें प्लाट है उस पर भी डीसी ऐसा लेटर कह के कह देगा भाई आप बाहर निकलो तो इसके ऊपर हमारे साइन है ये हमारी जगह आप कहीं और जाओ समझ गए। ये काम चल रहा है यहाँ पे बस जो ये चला रहे हैं ये धक्के से जो चला रहे करेंगे क्या वो तो कह रहे हैं कि हम तो बना के जाएंगे ऐसे सर कल की बात है बना के जाएंगे जो भी है अब सारे ही देख रहे हैं जो भी होता है जी रुकवा तो रही है। अब ये मान लो पुलिस को भी बुला रखा है वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये है फलाना है धक्के से मतलब सब कुछ धक्के से हो रहा है जो भी हो रहा है हाथ में हाँ जी इनका मतलब ये हमारे पास लाठी है लाठियों से हम बनवाएंगे धक्के से बनवाएंगे कोई सबूत नहीं कोई प्रूफ नहीं सरकार उनकी है ये धक्का सही है साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भेज दी पुलिस इंस्पेक्टर भेज दिए सिक्योरिटी भेज दी लाठियाँ दे के अब बड़े बड़े सरदार बैगल अच्छे पूरे लठ ले गए अब यही क्या लठ जाएंगे सीएम सिटी में इतनी गुंडागर्दी है तो बाकी हरियाणा का क्या होगा। सीएम सिटी में कोई सुनाई नहीं है किसी किस्म की हर जगह भूमाफिया है जो जगह देखते हैं कीमती है उसको काबू कर लेते हैं। अब सारी कॉलोनी एक तरफ है बच्चे औरतें सामने इतना कास्टली बढ़िया मंदिर बनाया नीचे ग्रेनाइट पत्थर लगाया बैठने के लिए सामने ग्रीन बेल्ट है आप कोई दूसरे गाँव का थोड़ी शहर का आदमी आएगा हमारे बच्चे जाएंगे शाम को खेलेंगे बैठेंगे उठेंगे सारा शहर में इंटरलॉकिंग लग रही है क्या यहाँ इंटरलॉकिंग नहीं लग सकती। फिर हमारे को आश्वासन दिया रेणुबाला जी ने मैं लगवा दूंगी बाद में बात सुनी मारी फिलहाल यानी कि एक तरफ नगर निगम है दूसरी तरफ पुलिस है और तीसरी तरफ इस कॉलोनी के लोग हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दस्तावेज के नाम पर नगर निगम करनाल के किसी भी क्या एक ही खड़ा है। अब वो बेचारा करे तो करेगा उसने नौकरी करनी है नगर निगम की और अफसरों की इन लोगों से उसने क्या लेना है तो वो मजबूरी है उसकी। दूसरी तरफ पुलिस है वो कह रहे हैं जी हमें तो पुलिस कप्तान ने भेजा हमें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है हम तो दीवार बनवाएंगे। तीसरी तरफ ये लोग हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही जिनके पैर पकड़ पकड़ कर जूते रगड़ रगड़ कर वोट मांगे गए थे उनकी कोई सुनवाई नहीं है जो रिश्वत कहा कर किन किन पदों पर पहुंच गए हैं उनकी पूरी सुनवाई है और कहते हैं कि सरकार ने आपसे 1 रुपया लेना हो तो आपका इधर करनाल वाला भी ध्यान कर लो वो जिम्मेदारा तो तुम तंग किया ही हो सारे वो करनाल च की हो रहा है आम पब्लिक नूं तंग कर रहे हो तुसीं की स्मार्ट सिटी बना रहे हो करनाल दे अंदर एहो जी स्मार्ट सिटी दा की फायदा अरे लखां करोड़ां रुपए गेटां ते लाते आ फलाना गेट है कद वास्ते लाए ने कीड़ी चीज़ च कम आउणगे वो तुसीं बणाउंदे जयपुर वांगू गेट विच सिक्योरिटी बैठ दी गेट दे अंदर इदां दे गेट राजां दे जिवें गेट बणे हैं उवें बनाने हन इह कहिड़े गेट ने कोई उत्थे गार्ड नहीं बह सकदा कोई उत्थे पुलिस वाला नहीं बह सकदा जाके जयपुर सिटी नूं वेख जाके खट्टर साहब मैं तुहानूं कह रहा जयपुर सिटी दे गेट देख जे राम मंदिर फलाना मंदिर हर गेट दे विच पुलिस दी तैनात हुंदी है उन्हां दी बैठ दी जगह उन्हां दे बाथरूम उन्हां दी हर चीज़ जिन्ने पुल बन रहे ने किसी भी पुल दे अंदर कोई बाथरूम है एक थनेसर नूं छड़ के पिपली चौंक ते बाथरूम आउण लई
किसी भी पंज पुलों के अंदर कोई बाथरूम बनाया अजे तक पत्थर लाई जा रहे हो रगड़ाई करी जा रहे हो भैन चो ठेकेदार सारा समान दई जा रहे हो नोट नोट खाई जा रहे हो। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है जी। मामला की है भी पुलिस नू तो पब्लिक का साथ देना चाहिए निगम नू तुहाडा साथ देना चाहिए ये सारे एक साइड होए ने तुसी सारे एक साइड हो पब्लिक का साथ देना चाहिए निगम नू निगम नू आपा बनाया ना मेयर नू आपा ही बनाया और किन्ने बनाया तुसी मेयर नू पार्षद नू क्यों नहीं बुलांदे मौके ते आए ना ही कह रहे आए सामने आए मौके ते आए गल करे साडे नाल एक्सपायर नहीं हो गया पार्षद ही हो गया ना एक्सपायर हो गया पार्षद कलड़ जी हमारे एक्सपायर हो गए नाजायज फायदा उठा बिल्कुल नाजायज फायदा उठाया जा रहा है इस चीज का बिल्कुल नाजायज फायदा जे होंदे ना ऑलरेडी कालड़ा साहब ते इदा होना ही नहीं सी वो इन्ने वधिया बंदे सी नहीं अगर नगर निगम की जमीन होती तो कालड़ा साहब इतनी बार से एमसी बन रहे यहाँ पे बनवा देते उन्होंने दीवार समझे नहीं यार जो आप किस चीज़ से ध्यान नहीं किया जो सड़क बनी हो ध्यान किया भी सड़क बनाओ भाई आप मंदिर में मत्था टेकन जाना है सारा कुछ करना है जो किचड़ है किवें निकल लोग निकल गए इतों आ सारी गली एड्डी लंबी गली है देखो एड्डी लंबी कलोनी है इसको गुंडागर्दी बदमाशी नहीं कहा जाएगा गुंडागर्दी हो रही तो बाद की गुंडागर्दी होगी ये शरेआम बदमाशी है नाल पुलिस को भी ना लै के बदमाशी कर रहे हैं वैसे ना कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं है कोई मजिस्ट्रेट नहीं है कोई कुछ नहीं है तो अब क्या करेंगे कहे तो बना रहे हैं जो बना रहे हैं तो तड़वा लेंगे आपा केस नहीं पावांगे छड़ांगे बड़ा जगह नु कमाल दी गल है कोर्ट कोई केस भी चल रहा है चलूगा सारा कुछ चलूगा सारा कुछ बाहर आ जाएगा। फिलहाल मामला आपने देख लिया सुन लिया समझ लिया अपने अपने प्लाटों को दुकानों को मकानों को भैया करनाल से ट्रांसफर करवा लो कैमरा लेके चलो आप पुल दे कोले देखो की हाल किया होया इस कॉलोनी का देखो कितना गंद पया होया एदे अंदर भी गंद ही है और की है माल मिलना प्लाट तो गंदगी की सफाई नाल थोड़ी मिलना ओही तो गल है माल तो इत्थों मिलना है जेड़े बूथ बना के बेचण की कोशिश करेंगे ये विकने वुकने कोनी है जगह तो इन्हां दी है ते इन्हां दी रहनी है क्योंकि ये पूरी जड़ तक प्रूफ कढ़िया जड़ चो प्रूफ कढ़िया होया सारा पेपर डॉक्यूमेंट कोल ने संधु साहब दे कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। फिलहाल मेरा तो दिल कर रहा है कि ताड़ियां मारी जाएं तालियां मारी जाएं नगर निगम के इस काम के लिए कि क्या बात है जबरदस्त तरीके से यानी कि ये नगर निगम के लिए क्या करेंगे जी मैं तो शेम ही कहूँगा जिन्होंने आप बनाया वो साढ़े ना इन्नी नजायज कर रहे हैं इतों माड़ा होर की कही उन्होंने माड़ा बचन से कह नहीं सकते गाल नहीं कड़ सकते असं चंगे लगेंगे जे आप गाल कड़ दी अं तो वर्गे बन गए सरकार तो ईमानदार है लेकिन कादी सरकार ईमानदार है इधर देखो सामने जरा सामने कैमरा चलाओ ना उस साइड से देखो की होया देखो जरा जे ईमानदार होंगी तो इदा होंगे उधर और सारा एरिया जरा कब्जा कर लिया ईमानदार सरकार है उत्थे क्यों नहीं हटवा रहे हाँ उत्थे क्यों नहीं हटवाया वो मुसलमानों की एक माड़ी जी मस्जिद है उस भी पैप वाड़ दिते ने भी तुहानू असीं लंघन ही नहीं देना दस की गल इस धर्म के नहीं है इस देश के नहीं रहने वाले यहाँ तो बॉर्डर जो लाया सी पूरे मुसलमानों को चुके बाहर छटाउंदे उदों दे ना अंदर वाड़ ले फिर आप ही मुसलमान सन साडा देश ही मुसलमानों का ही देश कहांगे जब साडे नेता ही मुसलमान ने उदों इन्हां नूं बाहर कढ दिंदे भी तुहाडा इत्थे कोई देश नहीं हैगा तुसीं जाओ अपने देश असीं इधर पंजाबी ते हिंदू धर्म नहीं रहना बस हुण सारे धर्मां दा देश है ते किन्नी नजायज़ क्यों मतलब सारी रोटी एक दाना एक पानी एक करनाल के लोगों से करनाल के लोगों से कहेंगे भी आपका यहाँ पर आकर समर्थन करें करनाल नु चाहिए है भी आके समर्थन करे साडे नाल आके एकजुट होण पूरे जिन्ने प्रधान ने सारे आन इधर आके देखण भी ये धक्काशाही किवें हो रही है जिन्ने एमसी हैगे आ बिट्टू एमसी मेरे एरिए दा है वह भी आए इत्थे आके वेखे हाँ भी तेरा बाया की करदा पिया है तेरा नेता तेरी मेहर की करवाउण डई है सारे जिन्ने पासे दे हैगे ने सारे नु आना चाहिए वै आके मौका वेखना चाहिए मौका वेख के गल करनी चाहिए है डॉक्यूमेंट चैक करो तो तुहाडी इन्नी उम्र हो गई है इन्नी तेजी नाल अगर नगर निगम ने बारिशा तो पहला काम किया होंदा तो लोगों के घरों के अंदर पानी ना वड़दा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये कोई शक नहीं है इन्ना गलत काम होया सारा घर पानी वड़ गया कोई ये काम बड़ी जल्दी क्यों तो माल लभना है इतने तो सोना लभना उन्होंने जिते सोना लभेगा उधर तो भजन गए वो जड़िया नालियां बंद पईयां वो थोड़ी साफ करवाउणियां ने फिलहाल आपने देख लिया कि सारी खुदाई एक तरफ और करनाल के भाई एक तरफ लेकिन बावजूद इसके सुनवाई उनकी कुछ नहीं हो रही और होगी कैसे भी अगर शहर का कोई विरला वारिस होता तो आकर कम से कम इनके बीच में खड़ा होता है सूद-बूद नहीं ले रहा हाँ जी कोई सूद-बूद नहीं ले रहा कोई बोलो ना क्या कह रहे हो कोई हमारी सूद-बूद नहीं ले रहा जी लेनी है अगो उन्होंने वोटा तो बंद नहीं देनी है फिर भी आऊगा जरा गली देख लेंगे केड़ा होंगे हाँ जी भाई स्वागत करा बड़ा प्यार चित्रा का हार बना के पहले ही रखा हाँ भाई किदा आ गया गली तू बी जो बनूगा वधिया ही बने ही तो कहने भी चंगा वेखो खालस किनू कहें लोग कह दें राज करेगा खालसा वो खालस मतलब खालस राजा खालस होए शहर का नेता खालस होए तो फिर राज होंगे
फिर प्रजा जींदी है वधिया तरीके दे नाल। जो राजा ही वधिया ना होएगा तो प्रजा की करूगी? लोग कहते सरदार कहते हमने राज करना है। अरे राज करना क्या है? राज खालस प्योर राज होना चाहिए, महाराजा रणजीत जैसा, जिवें महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया, ऐसे राज होना चाहिए। जैसे खट्टर साहब बंदा बहादुर बनते हैं, वो बंदे बहादुर के पैर वर्गे तो बन जाओ, तुम बंदे बहादुर के पैर वर्ग बन जाओ रुत वाले हो। वो एक गल तो मान दो बंदे बहादुर की, जिन्ना तगड़ा बलिदान उन्हें दिता, जिन्ना उन्हें कुरबानी दी, उन्हें जिनी शहादत दी, उन्हें छंडोरे राजधानी बनाया, पंजाब की राजधानी बंदा सिंह बहादुर ने बनाई थी। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया, किसी ने उंगल चकी वे मतलब ही नहीं है, इतने तो हर रोज़ उंगलों चक्की जा रही ने। फिलहाल यानी कि नगर निगम एक ऐसी जगह पर अपना कब्जा लेना चाह रहा है जिसके दस्तावेज नगर निगम के पास नहीं है, तो अपनी दुकान मकान प्लाट अगर आपके पास है तो या उसे आप संभाल कर रखिए या उसे बेचकर किराए के मकान में रहिए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि पुलिस फोर्स आ गई है, आपको इस प्लॉट को, इस मकान को, इस दुकान को छोड़ना होगा, क्योंकि कमिश्नर के ऑर्डर हमारे पास है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।